नमस्कार, मैं हूं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। आए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान किए बड़े खुलासे। शरद पवार ने दावे के साथ कहा कि उनके माइंड गेम के सामने शिवसेना एनसीपी के जाल में फंस गई है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीपी के साथ गठबंधन चाहते थे, जिसे उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी उनकी पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन वह इसके पक्ष में नहीं थे। शरद पवार ने कहा कि यह सच है कि हमारे दोनों दलों के बीच एनसीपी और बीजेपी गठबंधन के बारे में चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि मैंने उनसे उनके कार्यकाल में ही कहा था कि यह संभव नहीं है और मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहूंगा। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने शरारती बयान दिया था कि एनसीपी बीजेपी को समर्थन देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा इससे शायद शिवसेना के मन में संदेह पैदा हो गया, जिससे कांग्रेस और राकपा के साथ गठबंधन के लिए कदम बढ़ाया। तो यह थी आज की खास खबर। तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे एचएन न्यूज के साथ।